राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। कल यानी कि 21 जनवरी को तिल चौथ है। तिल चौथ का व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे माही चौथ व सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी ने इस दिन देवताओं की मदद करके उनका संकट दूर किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप से मनाएंगे। जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। अतः इसे संकट चौथ या सकट चौथ के रूप से मनाया जा रहा है। इस दिन गणेश जी तथा चौथ माता की पूजा की जाती है। तिल कुट्टा बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। शाम के समय चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के लिए पहले तिल कुट्टा खाते हैं, फिर भोजन किया जाता है। इस वर्ष तिल चौथ, जिसे तिल कुट्टा चौथ या संकष्ट चतुर्थी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, इस साल चतुर्थी तिथि 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार के प्रातः 8:51 से शुरू होकर 22 जनवरी के प्रातः 9:41 पर समाप्त होगी। तिल चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करते हुए अर्घ्य देते हुए व्रत का पारण करते हैं। इसीलिए 21 जनवरी के रात्रि घड़ियों में चतुर्थी तिथि है। इसीलिए 21 जनवरी को तिल चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। चंद्रोदय का समय 21 जनवरी रात्रि लगभग 9 बजे होगा। इस वर्ष सकट चौथ पर दो प्रकार के शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने पर बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। सकट चौथ पर चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिद्धि योग में मनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रहों के शुभ योग से सौभाग्य नाम का शुभ योग भी बन रहा है, जिस कारण से सकट चौथ का महत्व बढ़ जाता है। सकट चौथ शुक्रवार के दिन और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी के योग से इस दिन माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखते हुए उनकी सुख की कामना फलदायी होगी। तिल चौथ से एक दिन पहले ही यानी तीज के दिन ही सर धो लेनी चाहिए या मेहंदी लगाना चाहिए आदि कर लेनी चाहिए। चाहे तो तिल कुट्टा भी तीज के दिन ही बनाकर रख सकते हैं। तिल कुट्टा बनाने की विधि है बहुत ही सरल। सफ़ेद तिल आपको चाहिए 200 ग्राम और गुड़ चाहिए आपको 125 ग्राम। सफ़ेद तिल को साफ करके सेंक लें। ठंडा होने पर ग्राइंडर में इसे मोटा पीस लें। गुड़ को कद्दूकस करके तिल के साथ ही ग्राइंडर में एक बार थोड़ा सा घुमाकर मिक्स कर लें। तिल कुट्टा तैयार है। चलिए अब जानते हैं तिल चौथ की पूजा विधि। एक पट्टा धोकर साफ कर ले, उस पर साफ कपड़ा बिछा दे। पाटे पर थोड़े गेहूं व गणेश जी की प्रतिमा या फोटो रखे। एक लोटा पानी से भर कर पाटे पे रखे। एक पूजा की थाली तैयार कर ले। इसमें रौली, चावल, लच्छा, मेहंदी, थोड़े गेहूं, गुड़, साबुत तिल, तिल कुट्टा व दक्षिणा के पैसे रखे। यदि पहले उद्यापन करके चौथ बनवा रखी हो तो पाटे पर जो गेहूं रखे हैं उस पर चौथ रखें। यदि चौथ ना बनवाई हो तो चांदी की कोई वस्तु जैसे कि अंगूठी या सिक्का आदि को चौथ माथा के रूप में रख कर पूजा कर सकते हैं। पाटे के चारों तरफ एक एक बिंदी रोली से लगा दें। लोटे पर स्वस्तिक बना दें और कुमकुम से 13 बिंदी लगा दें। इस तरह पाटा तैयार कर लें पूजा आरंभ करने के लिए। पहले गणेश जी की पूजा करें। जल का छींटा देकर स्नान कराएं, फिर रोली का टीका लगाकर अक्षत अर्पित करें, लच्छा चढ़ाएं, पुष्प या फूल माला अर्पित करें, दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे अवश्य चढ़ाएं, तिलकुट या लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं, श्रद्धा पूर्वक नमन करें। इसी प्रकार चौथ माता की भी पूजा करें। फिर हाथ में तिल, गुड़ व साबुत गेहूँ लेकर तिल चौथ की कहानी सुनें, फिर गणेश जी की कहानी सुनें।
कहानी सुनने के बाद चौथ माता का गीत गाएं। यह गीत वीडियो के अंतिम भाग में हम आपको सुना रहे हैं। फिर गणेश जी की और अपने इष्ट देव की आरती गाएं। तिल चौथ व्रत की कहानी और गणेश जी की आरती आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। इस प्रकार पूजा संपन्न होती है। अब थोड़ा तिल कुट्टा प्रसाद के रूप में खाएं। कथा सुनते समय हाथ में लिए गए तिल, गुड़ और साबुत गेहा जो था लोटे के पानी के साथ ही चांद उगे तब अर्घ्य देना चाहिए। चांद को अर्घ्य देते समय ऐसा बोलना चाहिए, चंदा हेलो उगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने आखा पाती लाए, सोना कीसी सांकली गले मोतिया रोहार, तिल चौथ का चांद ने अरग देवता जीवो वीर भरतार। तिल कुट्टे पर रुपये रख कर बायना निकाल कर सासू माँ को दे दे, पैर छू कर उनका आशीर्वाद ले, उनकी अनुपस्थिति में बायना जेठानी या ननद को दिया जा सकता है। इसके बाद पहले तिलकुट्टा और फिर खाना खाएं। दूसरे दिन चौथ माता या चांदी की वस्तु जो भी अपने पूजा में रखी थी वह संभाल कर अपने पास रख ले तथा बाकी सभी सामान मंदिर में या ब्राह्मण को दे दे। जानिए तिल चौथ का उद्यापन विधि। तिल चौथ का उद्यापन जिस साल घर में लड़के का जन्म हुआ हो या लड़के की शादी हो उस साल किया जाता है। तिल चौथ का उद्यापन के दिन 3 पाव यानी कि 750 ग्राम तिल व आधा किलो गुड़ लेकर तिल कुट्टा बनाया जाता है। इससे लगभग 1.25 किलोग्राम तिल कुट बन जाता है। 13 सुहागिन महिलाओं को तिल कुट्टा खिलाकर भोजन कराया जाता है। सासू माँ को बायना दिया जाता है। 14 प्लेट में तिल कुट की 14 डेरियां बनाया जाता है। इनके साथ सासू माँ के बायने के लिए साड़ी, ब्लाउज व श्रद्धानुसार रुपये रखें। यहाँ बताए गए अनुसार पूजा करें, तिल चौथ की कहानी सुने, श्रद्धा पूर्वक चौथ माता को नमन करके विनती करें और कहें, हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं उद्यापन कर रही हूँ, आशीर्वाद प्रदान करना, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना।